दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जबलपुर शहर के बहुत ही खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी दूंगी, जहां पर जाकर आप अपना वीकेंड का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं और आपको वहां जाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जबलपुर शहर के जितने भी जलप्रपात या झरने हैं उनकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पहला, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात के बारे में सबको पता है, यह जबलपुर शहर की शान है। यहाँ पर आप अपना टाइम अच्छी तरह से बिता सकते हैं। यह जलप्रपात जबलपुर मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर भेड़ाघाट में स्थित है। यहाँ पर आप अपने वाहन से, मेट्रो से या ऑटो से भी आ सकते हैं। यह झरना नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर नर्मदा नदी 30 फीट ऊपर से नीचे संगमरमर की चट्टानों में गिरती है। यह देखना बहुत ही रोमांचकारी लगता है। यहाँ पर आपको संगमरमर पत्थर देखने मिलेंगे जो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। इसे देखने का आनंद ही अलग है। यहाँ पर जलप्रपात देखने के अलावा आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। यहाँ पर जलप्रपात देखने के अलावा और भी प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ये सब मंदिर आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिलेंगे। यहाँ पर रोपवे की सुविधा है जिसमें आप जाकर धुआंधार का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर घूमना चाहें तो आपका एक दिन पूरा चला जाएगा। आप यहाँ पर नर्मदा नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं और संगमरमर की वादियों का मजा ले सकते हैं। इस जलप्रपात का मजा आप पूरे साल ले सकते हैं। यह जलप्रपात पूरे साल भर खुला रहता है। आप इस जलप्रपात में साल भर में कभी भी आ सकते हैं। दूसरा, घुमरा जलप्रपात। घुमरा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर बनता है। यह बहुत खूबसूरत एवं शांत जगह है। घुमरा जलप्रपात एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। यहाँ पर आपको नर्मदा नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी सीधे जलप्रपात के पास तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती है, या कहा जाए तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं रहती है, तो यहाँ पर आप अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। यह झरना जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप अपने वाहन से ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेट्रो या ऑटो नहीं चलते हैं। यह जलप्रपात धुआंधार से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इस जलप्रपात के पास दुकानें नहीं है, केवल एक शॉप ही है। इसलिए आप अगर ज्यादा समय के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खाना और पानी लेकर जाएं। इस जलप्रपात का मजा आप पूरे साल ले सकते हैं। इस झरने के पास ही आपको परमहंसी आश्रम और लमेटा घाट भी देखने मिल जाएगा। ये दोनों स्थल वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आराम से जा सकते हैं। तीसरा, भदभदा जलप्रपात। भदभदा जलप्रपात गौर नदी पर बनता है। यह बहुत खूबसूरत जलप्रपात है। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। यहाँ पर आप अपना अच्छा समय बिता सकते हैं, मगर आप अपने सेफ्टी का जरूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज होता है और यहाँ पर कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने मिलेगा। यहाँ पर जहाँ से पानी गिरता है आप नदी की सतह तक जा सकते हैं और वहाँ से झरने का दृश्य भी देख सकते हैं और चट्टाने भी देख सकते हैं जो कुछ अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर आपका दो पहिया वाहन आराम से आ सकता है, लेकिन चार पहिया वाहन आने में दिक्कत होगी। यहाँ पर बस या ऑटो नहीं चलते हैं। यहाँ का पूरा रास्ता कच्चा है। आपको अपने वाहन से ही यहाँ पर जाना होगा। यह एक अच्छी जगह है। यह झरना आपको साल भर देखने नहीं मिलेगा। यह झरना गर्मी में सूख जाता है और ठंड में इस झरने में पानी कम होता है। यह झरना जबलपुर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। इस झरने से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जमतरा ब्रिज है, जहां से आपको नर्मदा मैया का खूबसूरत नज़ारा देखने मिल जाएगा। जमतरा ब्रिज
से ही आप गौर नदी को नर्मदा नदी से मिलते हुए देख सकते हैं और जो यहाँ का सुंदर व्यू है वो भी एंजॉय कर सकते हैं। चौथा, निदान जलप्रपात। निदान जलप्रपात बहुत खूबसूरत है। इस जगह की खूबसूरती लाजवाब है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों के बीच से बहता हुआ झरना, मानो लगता है जन्नत है इस जगह में। मगर आपको इस जन्नत का लुत्फ उठाना है तो आपको यहाँ पर बरसात के समय में जाना होगा, क्योंकि यह झरना गर्मी के समय सूख जाता है और ठंड में पानी कम रहता है। बरसात में इस जगह की बात ही अलग होती है। चारों तरफ हरियाली और बहता हुआ पानी बहुत खूबसूरत लगता है। यह जबलपुर शहर से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर कटंगी पर स्थित है। आपको बरसात के समय कटंगी रोड से ही यह जलप्रपात देखने मिल जाएगा। यहाँ पर एक साथ आपको दो जलप्रपात देखने मिलेंगे और दोनों जलप्रपात आपकी पार्किंग से 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। पार्किंग पर आपका 20 रूपए एक गाड़ी का लिया जाता है। यहाँ पर आप ग्रुप में जाएं, क्योंकि यहाँ पर जलप्रपात तक जाने के लिए जंगल वाला रास्ता पड़ता है, इसलिए सेफ्टी का विशेष ध्यान दें। यहाँ पर कुंड पर आप सेफ्टी का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ का कुंड गहरा है। यहाँ पर आप अपने वाहन से आसानी से जा सकते हैं। पांचवा, खंडारी लेक एवं जलप्रपात। खंडारी जलप्रपात का मजा आप बरसात के समय ले सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा जलप्रपात बनता है। यहाँ पर साल 2019 में खंडारी डैम ओवरफ्लो हुआ था। उस समय यहाँ का दृश्य बहुत रोमांचकारी था। यहाँ पर खंडारी जलाशय के पास ही में एक छोटा सा झरना बनता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, मगर यहाँ पर आप सेफ्टी का ध्यान जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर इसी साल 2019 में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक जान चली गई। यहाँ के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है। ये जबलपुर शहर से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप अपने वाहन से भी जा सकते हैं। छठवां, बगदरी जलप्रपात। बगदरी जलप्रपात जबलपुर शहर से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। इस झरने तक आपका वाहन आसानी से पहुंच जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार का पार्किंग चार्ज नहीं लगता है। बस आप अपनी गाड़ी खड़ी करके थोड़े कदम चलेंगे और आपको यहाँ का खूबसूरत दृश्य देखने मिल जाएगा। यहाँ का दृश्य बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत झरना देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत पहाड़ियों का दृश्य देखने मिलेगा। यहाँ पर आप सेफ्टी का जरूर ध्यान दें। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जा सकते हैं। यहाँ पिकनिक भी मनाया जा सकता है। यहाँ पर पानी बरसात में होता है, गर्मी में यहाँ पर पानी नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर बरसात में या ठंड में जा सकते हैं। सातवां, टैमर जलप्रपात। टैमर जलप्रपात जबलपुर के बरगी बांध के पास ही में स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको मेन रोड में बोट देखने मिल जाएगा। यह जलप्रपात बरगी में काली जी की विशाल मूर्ति के पास ही में है। बरसात में यहाँ आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड पूरी कच्ची है और आपकी गाड़ी यहाँ पर नहीं जा पाएगी। आप यहाँ पर सूखे मौसम में जा सकते हैं। इस झरने में हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि हम लोग इस जगह बरसात में गए थे, इसलिए ज्यादा जानकारी इस झरने के बारे में नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें और भी नई जगहों की जानकारी दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए ला सकें। इसके अलावा आप इन जगहों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पोस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने इन जगहों की और अच्छे से जानकारी देने की कोशिश की है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।